क्या फील होगा, एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए। मुझे 2 साल से उस पर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा एक ड्रीम था कि बाला साहब की रोचक और रोमांचक कथा कैसे बने बाला साहब ठाकरे। वो पर्दे पर आए, बड़े पर्दे पर आए, सभी देश के सभी देशवासियों के सामने उनकी वो कहानी जानी चाहिए। जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री बनना बहुत आसान है, राष्ट्रपति भी बन सकते हो आप, लेकिन बाला साहब ठाकरे बनना इतना आसान नहीं है। तो बाला साहब ठाकरे कैसे बने, एक सामान्य परिवार से, एक सामान्य युवा, एक कार्टूनिस्ट, देश के लोकप्रिय सामान्य नेता कैसे बने, वो आप पर्दे पर देख सकते हो। बहुत लोग आएंगे, आज लिमिटेड लोगों को बुलाया है। ठाकरे परिवार है पूरा, उद्धव ठाकरे जी है, आदित्य जी है, पूरा परिवार है। सुशील कुमार शिंदे जी आ रहे हैं, उनका अभी अभी जी हाँ, बाला साहब के साथ जब बाला साहब बीमार थे तब जिस उस डॉक्टर्स थे उनके साथ, किसी ने उनका बाईपास किया है, किसी ने और कुछ किया है, वो सब उनकी मेडिकल टीम भी आ रही है। मैं उनको पहचानता हूँ पहले से। राज ठाकरे हमेशा उनकी जो पसंदीदा फिल्म होती है वो अपने मित्र और परिवार के साथ थिएटर में जाकर देखते थे। हाँ, क्या बात कर रहे हैं सड़क जी? दादा मंदिर दादा थोड़ा बैठ जाओ। जल्दी घुमा रहा है कैमरा, अरे यार वही हो गया ना अभी तकलीफ। उनको देखो कितना स्पेशल काम कर रहे हैं। अरे मंगेश दादा,
जो टकला देतोय एंडिंगला टाइमिंग मध्ये खाली गाड़ी में रख दो, गाड़ी में रख दो, अपनी गाड़ी कहीं और रख दो, लेकर यहाँ पे सर 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 कुछ लोग लेट हो गए थे इसलिए सर सेंटर में सर सेंटर में स्ट्रेट सामने सर स्ट्रेट सामने
नमस्कार एक सोलो मैं मैंने लिया कहाँ था नहीं लिया था ना पिछली बार बहुत भीड़ हो गई मैं लेट आया लेट आके सेंटर में सर सर अरे मंगे से था सर यहाँ पे मैम यहाँ पे Brilliant. So far, I've seen the film. Nawazuddin has acted very well. And, you know, I've been a Mumbai guy. And I've come from a Maharashtra backdrop. And I know the story itself. You know, so it was me is completely reliving. And I could see everything. You know, it was so authentic. The detailing of the artwork is brilliant. The 60s and the 70s, it's captured so well. Performance, everybody, small character. It is shot in black and white, certain portions. Very good it is. Very interesting. And this interval, I'm just looking for the second half of the film. Coming to Nawaz,
I think the best part about, I had an opportunity to meet Balasaheb Thakre in person also, 3-4 occasions, and we've grown up watching Balasaheb's speeches, watching Balasaheb Thakre's editorials. बहुत ही क्लोजली नवाजुद्दीन ने बाला साहेब को जो एक एक उनका मैनरिज्म, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे न्यूएंस इतने डिटेलिंग में की है, बहुत ही अच्छा ऐसा लगता है, नहीं ऐसा लगता है बाला साहेब खुद प्रकट हुए हैं स्क्रीन पे, इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू। माय बेस्ट विशेस टू संजय रावत जी द फिल्म मेकर एंड नवाजुद्दीन एंटायर टीम, विश ऑल द बेस्ट। यू हैव मेड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत ही हार्ड वर्क दिखता है स्क्रीन पे, एंड विशिंग ऑल द बेस्ट। हिंदी इंग्लिश। इट इज सो एंगेजिंग एंड आई थिंक ये जो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में, यू नो द वे द फिल्म्स एंड द कैरेक्टर्स एंड एवरीवन एंड द होल मूड ऑफ द फिल्म, द वे इट्स ट्रांसफॉर्म, आई थिंक इट्स अमेजिंग। द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, ऑल द लॉजिस्टिक्स एंड the acting performance is mind blowing and I just can't wait to watch the film after the interval, and wish all the very best to everybody, Mr. Sanjay Raut, YCOM 18, Nawazuddin is brilliant, Amritra Rao, all of them, and I wish them all the very best. Thank you very much. It's very nice. Balasaheb Thakre ji ka role bahut acha laga isme, from where he started abhi to khair abhi interval tak hi pahunche hain, अपना जर्नी हैज टू कैरी ऑन, जब तक अखीर तक देखेंगे और बढ़िया होगी। वेरी नाइस मूवी, यस, वेरी गुड फॉर दिस विश, वेरी गुड विशेस फॉर दिस मूवी, इट शुड बी अ ग्रेट सक्सेस, इट लुक्स लाइक टू बी अ सक्सेस ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। जबरदस्त है आणि म्हणजे इंटरवलचा थोड़ा आधी इतका पकड़ला है मुझे कि इट्स अ रियली थ्रिलिंग मूवी आणि मला वाटतं प्रॉपर रिसर्च वगैरह केल्यामुळे अगदी ऑथेंटिक वाटतं आहे। सगळ्यांचे परफॉर्मन्सेस अप्रतिम आहेत, डिरेक्शन चांगलं आहे, सगळे ॲक्च्युली जगलेले आहेत भूमिका। इट्स अ ग्रेट मूवी, सुंदर सुंदर गेलं, अप्रतिम। थँक्यू। अरे सर, अरे सर, आप मुझे बीच में हो, अरे बाप रे। पाहता है ये, पाहता है इंटरवल नंतर सुद्धा पाहता है, याचा अर्थ सिनेमा त्यांना खळवून ठेवतो आहे, त्यांना सिनेमा पाहावासा वाटतो आहे। आणि जेव्हा मध्यंतरानंतर बाहेर आली त्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरती जो आनंद मी पाहिला, मला वाटलं की आम्ही जी मेहनत घेतली सगळ्यांनी आता थोडं सार्थक होतं। 25 तारखेला संपूर्ण हिंदुस्थानमध्ये आणि परदेशामध्ये या सिनेमाविषयी प्रचंड उत्सुकता आहे, आणि मला खात्री आहे या देशातल्या लोकांनी जसं बाळासाहेबांचं एखाद्या सुपर हिरोसारखं स्वागत केलं सातत्यानं, तसंच ते पडद्यावरच्या बाळासाहेबांचे स्वागत करतील, हे मला आज थोडं मला त्याच्या संदर्भात खात्री पडली। सर, पण आता हिंदी पाहत आहे, आतमध्ये सुशील कुमार शिंदे बसलेले आहेत, रोहित शेट्टी बसलेले आहे, सुजित सरकार आहे, बहुत लोक अंदर बैठे, राहुल मित्रा आहे,
Hello, how are you? Yes. ओह हम तो लखनऊ गए, हम दिल्ली गए और हर स्टेट मतलब एवरी सिटी एवरीबडी सो एक्साइटेड अबाउट द फिल्म दे. कुछ लोग तो ऑफकोर्स जो बाला साहिब को वर्शिप करते आए हैं वो उनके सेंटिमेंट्स के वजह से उनको बाला साहिब ने उनकी ज़िंदगी में जो चेंजेस लेके आए थे उनके वजह से अलग सेंटिमेंट्स हैं, अलग भावनाएँ हैं. और जो जो अलग सिटीज़ के लोग हैं उनके दिलों में क्यूरियोसिटी है. दे हैव ऑलवेज बीन एनैमर्ड बाई द पर्सनैलिटी. सो वी आर वेरी एक्साइटेड, मतलब इतना एक्साइटमेंट, एवरीबडी इज सो एक्साइटेड टू सी ठाकरे. लेस देन 48 आवर्स टू गो. आपको आपने बहुत सारे शुक्रवार फ्राइडेज देखे. ये फ्राइडे कितना आपके लिए बेहतर रहेगा? ये फ्राइडे जो है ना ये मामूली फ्राइडे नहीं है और इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमने ठाकरे इस फिल्म में काम किया है, यही बहुत बड़ी बात है. अभी नहीं पाला कोण म्हटलं निघून गेलं इथे सगळं हे आत्ता आलेलं आहे. सगळे फिल्म संदर्भातले प्रमुख लोक आम्ही सगळे भाग आणि प्रत्येकजण येऊन जातो. हा सिनेमा ज्यांनी पाहिलेला नाही निमंत्रितांसाठी आहे. उद्धव ठाकरेंचे निमंत्रित आहे, ते पाहतात. वेगवेगळं आमचं काम आहे त्यांच्याशी त्यांचा असे संवाद साधला. ते मग अशी लवकर गेले आणि मला जाताना सांगून गेले की मला पुन्हा कामासाठी जायचं. दिल्लीला स्पेशल एक स्क्रीनिंग करतो आहे और मैं सबको बुलाना चाहता हूँ. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सबको बुलाएंगे. बाला साहब ठाकरे क्या थे, बाला साहब ठाकरे कैसे बने. जैसे मैंने सब जगह पे कहता हूँ कि इस देश में प्रधानमंत्री लोग बन सकते हैं. लक होता है प्रधानमंत्री बनने में भी, मेहनत नहीं करनी पड़ती. आजकल राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बाला साहेब ठाकरे बनना ये इस देश का सबसे कठिन और संघर्षमय काम है. ये बाला साहेब ठाकरे कैसे बने ये फिल्म में देखने को आपको. अरे अभी यहाँ प्रियंका जी का क्या काम है, यहाँ तो अमृता जी का काम है. सर उनको महासचिव बना दिया, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ. देश की राजनीति में फर्क आ जाएगा. देखिए कोई नया चेहरा आता है तो जरूर जेव्हा नवीन चेहरा येतो देशाच्या राजकारणामध्ये खास करून गांधी परिवारामधला तेव्हा तुम्ही किती टीका करा. आजही या देशावर गांधीचा प्रभाव आहे. मग ते महात्मा गांधी असतील, इंदिरा गांधी असतील, तर त्यांच्या परिवारातलं कोणी असेल आपण स्वीकारलं पाहिजे. त्यांचं आव्हान जर निर्माण झालं तर आम्हाला त्यांच्याशी संघर्ष करावा. बताइए ठीक है. बहुत सालों से अटकली थी कि प्रियंका जी आएंगी और कांग्रेस का नेतृत्व करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दो महीने से देख रहा हूँ कि कांग्रेस के अच्छे दिन आने शुरू हो गए. जब 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस जीत गई तब से लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी सक्रिय होगी. राहुल गांधी का ये अच्छा निर्णय है एज ए कांग्रेस अध्यक्ष और इस देश की जनता ने हमेशा गांधी परिवार के साथ एक रिश्ता रखा है. चाहे चुनाव जीते या चुनाव हारे, इस देश में इंदिरा गांधी की विरासत हमेशा रहेगी. उनके आने के बाद क्या देश में बदलाव के योग आपको दिखाई देंगे? देखिए वो तो आप चुनाव के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जरूर कांग्रेस को फायदा होगा. यस प्लीज आइए आइए, आपके बारे में चल रहा है. जी जी बिल्कुल, मैं पहली बार इनके साथ आ रही हूँ किसी स्क्रीनिंग पे, किसी भी जगह पे. एक्चुअली मैं इतने सालों से जानते हैं, मतलब वी बीन डेटिंग फॉर इयर्स नाउ, बट दिस फिल्म इज स्पेशल एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टुगेदर ऑन द रेड कार्पेट. देखिए मेरी जो धर्म पत्नी है वो ऑन स्क्रीन बाला साहेब की धर्म पत्नी का रोल कर रही है. ये हमारे लिए पर्सनली बहुत बड़े सम्मान की बात है. संजय जी का शुक्रिया अदा, पास भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद और अमृता तुम्हें बहुत
बहुत ज़्यादा मुबारकबाद बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पेशल रोल टू बी अ पार्ट ऑफ। थैंक यू। नहीं कुछ नहीं, कोई क्लैश नहीं होगा। सर संभाजी ब्रिगेड को विरोध है? अच्छा एक मिनट रुकिए सर, एक दृश्य को लेकर। नहीं कोई दृश्य नहीं, ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल दृश्य बाला साहब ठाकरे जी के फिल्म में नहीं है, ठाकरे में नहीं है, ये प्रोपोगंडा है। सब लोग आकर फिल्म देखिए और मुझे बताइए। अरे रुकिए सर एक सेकंड, एक और बता। अमृता मैडम आई, आप मैडम हूज ओपिनियन विल मैटर मोस्ट फॉर यू फॉर दिस फिल्म? इधर आइए, इधर आइए। गलत हो गया, पूरा फ्रेम गलत जा रहा है, सारा फ्रेम ही गलत हो गया। हूज ओपिनियन, भाई चुप तो रहो ना, हूज ओपिनियन विल मैटर मोस्ट फॉर यू इन दिस फिल्म व्हेन दे विल सी द फिल्म? वेल ऑनेस्टली जब हम किसी भी फिल्म में इतना मेहनत करते हैं ना, हम खुद इतना क्रिटिकल हो जाते हैं, बिकॉज एज एक्टर्स एनीथिंग इज़ नेवर परफेक्ट फॉर अस। हमेशा लगता है कि ये ऐसा किया होता तो मुझे लगता है जो हमारी जो कोर टीम है, एवरीबडी इंक्लूड संजय जी एवरीवन, अगर हमें खुद लगे कि ओके यू नो वी आर सेटिस्फाइड विच वी आर गेटिंग द बज, एंड ऑफकोर्स ऑडियंसिस का एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। बाला साहब ठाकरे की जन्मदिन के ऊपर जो मणिकर्णिका की एक्ट्रेस है लीड कंगना, उन्होंने भी एक वीडियो डाला और अपनी शुभेच्छा दी। देखिए सभी को ठाकरे का सहारा लेना पड़ता है इस देश में, इतने साल तक कोई ये जन्मदिन की या मुबारकबाद या जो है श्रद्धांजलि नहीं दी है, लेकिन मैं मानता हूँ ये अच्छा प्रमोशनल एक्टिविटीज कंगना जी ने की है, मैं स्वागत करता हूँ। तो आपको ये लगता है कि उन्होंने ये जो अपनी फिल्म की मनी करने का ही ये उनका आगे का प्रयास है? करने तो बाला साहब ने सबको सहारा दिया है, ठाकरे जी ने सबको सपोर्ट किया है जी, और जिन्हें तो डरने की कोई बात नहीं। जी जी, मैंने सुना था आपने सवाल जी ने फिल्म देखी है, उनका क्या रिस्पॉन्स? अब आ जाएगी, मुझसे बात करिए, अभी आ जाएंगे। आपसे कोई बात नहीं होगी सीट मेले में ऐसा करते हैं? किसको? आपसे साहिबाना दिग्दर्शक का सीट माला ही सीट नहीं है, जाना चाहूंगा। मुझे ही सीट नहीं है, हम लोग सब बाहर ही बैठे हैं। देखिए अभिजीत पांसे फिल्म के डायरेक्टर, मैंने उनको अपॉइंट किया, उससे पहले कहा कि उनको पूछ, अगर उसने कहा है सीट की बात तो मैंने एक सबसे बड़े फिल्म के लिए उनको चुना है, सबसे बड़े फिल्म के लिए मैंने उनको चुना है, ये मेरे चॉइस है, तो ये कोई बात नहीं। सर अभी कोई नाराजगी नहीं? कौन सी नाराजगी? पांसे क्यों नाराज? सर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो नाराज, खबरें जिसने फैलाई उनको पूछिए, पांसे लंच को डिनर को गए, वापस आ जाएंगे। थैंक यू सर, पर आएंगे ना पक्का? एक सेकंड में लाइक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन्स की सध्या ठाकरे जी की गाणी ही खूप जास्त प्रमाणात गाजत आहेत, त्याच्यावर मग तिघांनाही कॉन्ग्रॅच्युलेशन। आज पहिल्यांदा ठाकरेचा एक तुम्ही छोटासा असा हे केलाय, तर कसं वाटतंय तुम्हाला? बापरे, काही म्हणण्याच्या आधी एकदा आम्ही रशेस पाहिले आणि आम्ही आता फिल्म बघितली तर इट इज सो इंटेन्स, आणि ज्या लोकांनी हे सगळं एक्सपिरियन्स केलं असेल त्यांच्यासाठी तर ही फिल्म एक ट्रेजर म्हणून आहे, आणि ज्या जनरेशननी ते नाही एक्सपिरियन्स केलं आहे त्यांच्यासाठी तर एक लर्निंग आहे, तर अमेझिंग। म्हणजे अशा फिल्म्स आपल्याला इन्स्पायर पण करतात आणि आपल्याला खूप काही सांगून जातात, अदर दॅन एंटरटेनिंग, आय मीन दॅट इज वॉट आय फील। एक्झॅक्टली जसं रोहन म्हणतोय की खूप एकतर आम्हाला खूप आनंद होतो आहे खरं तर, कारण हे वर्ष जी आमची सुरुवात झालेली आहे एका अशा फिल्मने जी मला वाटतं वर्षातली आपली सगळ्यात मोठी फिल्म असावी कदाचित, त्यामुळे एकतर भरभरून आनंद झाला आहे। लोकं जे गाण्याला आमच्या प्रतिसाद देत आहेत, हिंदीला पण मराठीला पण खूप चांगला रिस्पॉन्स येतो आहे आम्हाला, तर त्याची एक बोलताना एक वेगळा आनंद आहे त्या गोष्टीचा। आणि फिल्म तर लाजवाब फिल्म बनली आहे, एकदम खूपच कमाल फिल्म आहे, आणि 100% शुअर आहे की लोकांना ही फिल्म आवडणार आहे, कारण इट्स अन एक्सपिरियन्स टू सी। इज द मॅन, ज्याने गाणं पण लिहिले, डायलॉग्स पण लिहिले, आम्ही ते प्रत्येक डायलॉगला म्हणजे आम्ही एकत्रच बसलो होतो त्यामुळे प्रत्येक डायलॉग जेव्हा येत होता ते वन लाईनर्स जे साहेबांचे ह्याने आणलेत लोकांच्या समोर हिंदीमध्ये,
त्याला जो जो इम्पॅक्ट येत होता ना त्यामुळे असं भरून आलं होतं. खरं तर आम्ही म्हटलं की आपली हिंदी फिल्म एकत्र ह्या स्केलला अशी एकत्र आली आहे त्यामुळे हां आणि बऱ्याच वर्षांचा प्रवास आहे आमचा सगळा तर त्यामुळे खूपच बरं वाटतं आहे ॲक्च्युली तसं. जाहिर सी बात है कि अच्छा ही लगेगा. मतलब जब आप काम करते हो मेहनत करते हो और जब वो पर्दे पर आता है तो अब ये बोल दूंगा कि बहुत अच्छा लगा उससे कहीं ज़्यादा एक फीलिंग होती है जो हम शब्दों में कभी बोलते नहीं. बट चैलेंजिंग था बाला साहेब ठाकरे ये जो एक किरदार हैं इनको कलम से उतारना बहुत मुश्किल है. आप किसी भी कलम को ही उतार नहीं सकती इनकी कहानी उनका किरदार. तो हमने सिर्फ कोशिश किया है कि हमने समझो 1% किया है तो 99% जो ऑडियंस है वो फील करेगी वो क्योंकि वो किरदार जो नवाज साहब ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया है अभिजीत पानसे ने इतना अच्छा डायरेक्ट किया है या पूरी टीम जो हमारी ठाकरे की है जो म्यूज़िक इतना अच्छा किया है सब कुछ जो भी इसमें इन्वॉल्व थे सभी लोगों ने अपनी जान डाल दी थी. इसको एक फिल्म की तरह नहीं देख रहा थे हम कोई भी इसे एक फिल्म की तरह नहीं देख रहे थे हम वो ये लग रहा था कि हम बाला साहब के लिए कुछ कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने मैं बचपन से बॉम्बे में मैं वैसे यूपी से हूँ आजमगढ़ से बट मैं बचपन से बॉम्बे में हूँ तो उन्होंने जो किया है हमने एक्सपीरियंस किया है बॉम्बे वालों के लिए महाराष्ट्र के लिए या देश के लिए तो हमने अपने तरफ से थोड़ा मोड़ा जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने कला के माध्यम से. वो भी एक आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरुआती तौर पर आर्टिस्ट के तौर पर शुरू की थी तो एक आर्टिस्ट को हमने कोशिश की कि एक अपना शब्दांजलि अर्पित की हमने एंड आई होप कि सभी को ये पसंद आए और लोग इससे प्रेरणा लें. माझं प्रामाणिक मत ह्या फिल्मबद्दल हे आहे की जसे साहेब होते जसं आपण सगळ्यांनी त्यांना बघितलेलं आहे ही फिल्म तशीच आहे. ही खूप नॅचरल आणि खूप रिअलिस्टिक फिल्म आहे. ह्याच्यामध्ये काही लपून विपून बनवलेलं नाही आहे त्यामुळे ती फिल्म आपल्याला जास्त भिडते आणि त्यामुळे ती जास्त मजा येते बघायला आपल्याला. कारण प्रत्येक गोष्ट अभिजित पानसे म्हणा संजय राऊत सर म्हणा या लोकांनी इतक्या सफाईने ते प्रेझेंट केलं आहे लोकांच्या समोर जसं होतं तसं तर त्यामुळे खूपच ग्रेट वाटतं. मुझे इतना कहना है कि बालासाहेब ठाकरे ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए. रीज़न सिर्फ इतना है कि वो कहते हैं ना कि आप पहली में पढ़ते हो दूसरी तीसरी चौथी कोई आठवीं में छोड़ देता है दसवीं में छोड़ देता है. बालासाहेब ठाकरे ये एक पूरी यूनिवर्सिटी है कम्प्लीट. जो भी विषय आपको पढ़ना है आर्ट पढ़ना है पॉलिटिक्स पढ़ना है फ्रेंडशिप पढ़ना है ह्यूमैनिटी पढ़ना है या जो भी मतलब वो जो थे वो थे. लोगों को वो अच्छे लगे बुरे लगे लोगों ने प्यार किया है लोगों ने नहीं किया लेकिन वो जो थे वो थे. तो जो आदमी जो होता है और वही सबके सामने रहता है तो उससे सच्चा आदमी कोई नहीं है. तो सच्चा रहना अपने आप से और समाज में ये सीखने वाली बात है. थैंक यू बरोबर एक फोटो हा सगळा काळ सगळा म्हणजे मार्मिकच्या स्थापनेच्या नंतरचा काळ मी स्वतः अनुभवलेला आहे आणि अर्थातच अशा एखाद्या व्यक्तिमत्वावरती चित्रपट काढायचा म्हणजे संपूर्ण आभाळ हे एका कॅनव्हसवरती आणण्याचं मोठं काम असतं आव्हान असतं आणि मला असं वाटतं संजय राऊत यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने हे आव्हान लिलेया स्वीकारून पार पाडलेलं. नाही सर्वच बाबतीमध्ये अतिशय सुंदर असा चित्रपट आहे. मला स्वतःला विचाराल तर तो काळ मीच नव्हे तर किंबहुना मी असं म्हणेन की अनेक चित्रपट येतात चित्रपट जातात इतिहासावरती चित्रपट असतात तेही खूप सगळ्यांना आवडतात पण हा जो काय संपूर्ण काळ आहे हा खूप वर्षांपूर्वीचा इतिहास नाही आहे. हा संपूर्ण काळ पाहिलेला भोगलेला आणि अनुभव घेतलेली सगळी मंडळी आजसुद्धा आपल्यासोबत आहेत आणि ती उजळणी एक वेगळ्या पद्धतीने वेगळ्या मांडणीने संजय राऊत यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपल्यासमोर आणलेली.
एका शब्दात सांगण्यासारखा हा चित्रपट नाही आहे, किंबहुना मला असं वाटतं सर्वांनी आवर्जून हा चित्रपट पाहावा असा चित्रपट आहे, त्याचं वर्णन करता येणं शक्य नाही. Okay, obviously born and brought up in Mumbai, we know about Balasaheb Thackeray, I know the family personally. So watching it, the whole struggle, the whole jo unka ek pura vision raha hai, ek struggle raha hai, aur struggle se kaise party form hui aur ek ke logo ke liye kaam karna hai, wo I think bahut log jante hain unke bare mein, but unhone kahan se shuruaat ki, kaise shuruaat ki, ye bahut kam log jante honge, pura Hindustan nahi shayad janta ho. To बहुत अच्छी तरह से समेट कर एक ढाई घंटे की फिल्म में लाया गया है. एंड इट्स अ फिल्म टू बी सीन फॉर लीडरशिप, बिकॉज मैं उनको एक लीडर मानता हूँ. एंड उनकी स्ट्रगल, उनकी सोच अपने लोगों के लिए, किस तरह से उन्होंने मेहनत करके और अपना एक विजन और अपने कॉन्फिडेंस से एक मुकाम तक अपनी पार्टी को लाया और महाराष्ट्र को लाया. सो आई थिंक दैट्स वॉट इज़ शोन इन द फिल्म and the way it is done, because unki life bahut badi hai and jab film khatam hoti hai to be continued bhi aata hai, so I think they'll make more parts and I wish them all the luck for that. Sir, what do you feel about Nawaz? Nawaz is an outstanding actor and I think ye har film ke baad har koi bolta hai, unke har performance aisa hota hai, aur kuch scenes mein to jab young bala sahab ka portion tha usme kuch scenes mein to lag raha tha ki as if bala sahab hi hain, यू नो कुछ शॉर्ट्स में ऐसा लग रहा था. एंड इज एन अ फैबुलस जॉब, अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब फॉर एन एक्टर एंड इज डन इट फैबुलसली. थैंक यू, थैंक यू. उनका काम इतना अच्छा किया है उन्होंने कि पता नहीं चलता था कि यहाँ बाला साहब है या नवाजुद्दीन है, तो इसके लिए उनको भी बहुत धन्यवाद. अतिशय चांगला सिनेमा आहे हा. मी हिंदीत बघितला, पण हा सगळा त्या काळापासूनच्या हिस्ट्रीचा आहे, 1970 पासूनच्या हिस्ट्रीचा आहे. आणि त्यामध्ये खरं म्हणजे ज्यामध्ये कृष्णा कॉम्रेड कृष्णा देसाईंचं मर्डरच्या विषयी त्यांनी दाखवलेलं आहे, आमच्या पुरोगामी सरकारविषयी दाखवलेलं आहे, आणि त्यावेळेस धर्माच्या नावावर जातीच्या नावावर जे जे काय घडत होतं त्याही विषयी त्यांनी दाखवलेलं आहे. मी संजय राऊतांचं मनापासून अभिनंदन करतो की एक हिस्ट्रीचा तो भाग त्यांनी यामध्ये दाखवलेला आहे, एक पत्रकारितेचा जो गाभा आहे तो त्यांनी निभावून नेलेला आहे. आणि एक पत्रकार एवढा चांगला पिक्चर काढू शकतो त्याबद्दल त्यांचं मी मनापासून कौतुक करतो आहे. इधर ही बुला रहे पद्धतीने अनुभवलेले आणि मला खरच एक समाधान आहे की मगाशी मी बोलताना बोललो की अशा व्यक्तिमत्त्वावरती चित्रपट काढणं म्हणजे एका मोठ्या मोठं आबाळ, म्हणजे आबाळ हे आबाळच असतं, त्याला मोठा आणि छोटा शब्द नसतो. आबाळाला एका कॅनव्हसवरती आणण्याचं एक आव्हान असतं आणि हे आव्हान संजयनी अतिशय उत्तमरित्या लिहिलेल्या पेललेलं आहे. शिवसेना प्रमुखांचं आयुष्य आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. अनेकदा असं असतं की इतिहासावरती चित्रपट काढले जातात. हा चित्रपट आहे, त्याच्यामधला जो सगळा काळ आहे तो इतिहास खूप वर्षांपूर्वीचा नाही आहे, तो इतिहास आपण स्वतः अनुभवलेला आहे. आणि मला असं वाटतं आपण सगळेजण आहोत ह्या सर्वांनीच जेव्हा हा चित्रपट प्रत्यक्षात घडत होता त्यावेळेला कळत नकळत त्याच्यात कोणती ना कोणती तरी भूमिका केलेली आहे. आणि हा आपला सगळ्यांचा सर्वसामान्यांचा चित्रपट जीवनपट, हा ठाकरे म्हणजे केवळ बाळासाहेबांचा जीवनपट नाही आहे, हा सर्वसामान्यांचा जीवनपट आहे. आणि तो अत्यंत चांगल्या पद्धतीने संजयने पडद्यावरती आणलेला आहे, म्हणून संजय तुम्हाला मनपूर्वक धन्यवाद देतो. शिवसेना प्रमुख म्हणजे धाडस, हिम्मत, त्यांच्यावरती चित्रपट काढणं हे सुद्धा धाडस आणि हिमतीचं काम आहे, ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने तुम्ही पार पाडले. नवाजने केलं होतं, भूमिका आवडली का तुम्हाला? नवाजुद्दीनने ज्या पद्धतीने बाळासाहेबांची बहुत छान केलेली, अप्रतिम भूमिका केलेली. आणि एकूण या चित्रपटातून मी जे सांगितलं ना की त्यातनं शिवसेना प्रमुख म्हणजे नेमके काय, त्यांनी आपल्याला काय दिलं हे समजून घेण्याचं आपण त्याच्यात तो प्रयत्न केला पाहिजे. आणि मला वाटतं तो अतिशय चांगल्या पद्धतीने याच्यात आणले. तुम्हाला काय वाटतं तुम्ही, कारण नव्या पिढीचं हिंदी मी आदित्यजी बात करेन. काय वाटलं? नाही नाही, एक मिनिट आदित्य,
नक्कीच मला वाटतं सिनेमा आणि सिनेमातली गाणी, खास करून मी संजय काकाला सांगत होतो की गाणी देखील ह्याच्यातली खूप चांगली आहेत. सिनेमा स्टोरी लाईन तर सगळ्यांना माहितीच आहे, पण ते सिनेमामध्ये उतरवणं, जसं उद्धव साहेबांनी सांगितलं की एक जे मोठं वाईड अँगल असतं ते त्या कॅनव्हसमध्ये कसं घेणार, हे खूप महत्त्वाची गोष्ट असते. आणि नवाजजी असतील, अमृताजी असतील, दोघांनी खूप चांगलं ते रोल प्ले केलेलं आहे त्यांनी त्याच्यात. अर्थात काही काही ठिकाणी एवढे खरंच चांगली ॲक्टिंग झालेली आहे, असं वाटतं की अरे आपल्याला गुजबम्स येतात की काय, एवढं चांगलं हे त्यांनी ॲक्टिंग केलेली आहे. खरोखर मी अभिनंदन करतो. आणि हा जो एक प्रयत्न आहे की मोठ्या साहेबांचं एक जे पूर्ण जीवन होतं ह्या काही काळात आणण्याचं, ते मला वाटतं खूप चांगलं झालं. नवाज को देखकर के आपको कितने बार बाळा साहेब की याद आई? काफी बार, क्योंकि उन्होंने जो सिर्फ लुक नहीं लेकिन उनका जो बिहेवियर है, या जैसे उनके वॉइस मॉड्यूलेशन है, हाथों का जो मूवमेंट होता है, कोर्ट में अगर देखो आप या पूरे जो भाषण में है, काफ़ी सिमिलर लगता है. और मुझे लगता है कि उन्होंने एक्टिंग ये जो की है बहुत ही ज़बरदस्त की एक्टिंग की है. मैं तो यही कहूँगा कि फिल्म देखना अपने आप एक अनुभव है, और ये जो अनुभव है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. मेरी सब लोगों को यही मैं विनती करूँगा कि सारे लोगों ने अवश्य ये पिक्चर देखनी चाहिए. गुड, चलो. या मैं कुछ और उम्मीद से आया था, लेकिन इट्स रियली अ पावरफुल फिल्म, वेरी बोल्ड फिल्म. एंड श्री ठाकरे साहब के जो चीज़ें उन्होंने, जो डिसीशंस उन्होंने, जो पॉलिटिक्स उन्होंने महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के लोगों के लिए किया, आई थिंक इतने पावरफुल और बोल्ड तरीके से दिखाया गया, मैं इतना उम्मीद नहीं कर रहा था. आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड दैट सिनेमा में इस तरह के पॉलिटिकल फिल्म और इतने सारे पॉलिटिकल बोल्ड मैसेजेस आ रहे हैं. मैं नवाजुद्दीन को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा. उन्होंने एकदम जिसको कहते हैं परफेक्ट बाल ठाकरे साहब का परफॉर्मेंस दिया है. एंड माय कंग्रेचुलेशन संजय राउत कि इस तरह की फिल्म को उन्होंने बैकिंग की. और मुझे लगता है शायद अब शायद पॉलिटिकल फिल्म बनने का, बायोपिक्स बनने का शायद ट्रेंड बना रहेगा. आई थिंक दिस फिल्म विल गिव अ वेरी बोल्ड मैसेज टू लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स. थैंक यू सो मच. मुझे लगता है कि लोग को जाना चाहिए देखने के लिए. बाल ठाकरे साहब कैसे थे और उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करके महाराष्ट्र के लिए अपनी पूरी लाइफ दे दी, आई थिंक वो इस फिल्म में देखने लायक है. एंड नवाजुद्दीन को ज़रूर देखिएगा एज एन एक्टर, ही इज़ जस्ट फिनोमिनल. थैंक यू. खूप खूप जुन्या आठवणी सगळ्या जिवंत होत होत्या. ज्या आतमध्ये आहेत त्या पुन्हा पडद्यावर बघायला मिळालं. खूप छान पानसेंनी फिल्म बनवली आणि संजय राऊत साहेबांनी खूप मेहनत केलेली आहे, कारण त्यांनी साहेबांना इतक्या जवळनं बघितलं आहे. मी तर लहानपणापासून त्यांना बघत आलेलो आहे, असे शेकडो अनुभव आहेत त्यांचे. आणि इतकी छान छान मंडळी त्या त्या कॅरेक्टर्ससाठी, खूप जवळजवळ अगदी दिसणारी मंडळी अभिजितनी एकत्र केली. आणि हे सगळे इन्सिडेन्सेस डोळ्यासमोर येत होते, लहानपणापासून सगळं बघत आलो आहे आम्ही. आणि माझा जन्म अगदी गिरण गावातला असल्यामुळं हे जे ह्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज या सगळ्या ज्वलंत ज्या दाखवल्या आहेत त्या सगळ्या आमच्या एरियातनं बघितलेल्या आहेत आम्ही. खूप मजा आली, खूप छान फिल्म बनवली आणि लोकांना खूप आवडणार आहे. आणि बाळासाहेबांना ज्यांनी बघितलेलं नाही त्यांना त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव होणार आहे बघितल्यासारखा. हा सिनेमा मुद्दाम लोकांनी बघावा, म्हणजे सगळ्याच भाषिक लोकांनी, सगळ्या भारतातनं, भारताबाहेर जी लोकं आहेत त्या सगळ्यांनी हा सिनेमा बघावा. इवन फॉरेनर लोकांनी हा सिनेमा जरूर बघावा. जेवढा गांधीजीं
आजचा सिनेमा बघून लोकांना त्यांच्याबद्दल माहिती झाली असेल, तशीच साहेबांना बघून लोकांना त्यांच्याबद्दलची कल्पना येणार आहे आणि त्यांना प्रत्यक्ष बघता येणार आहे ह्या सिनेमाच्या मार्फत. धन्यवाद. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के बाद, क्योंकि हालांकि संजय राव जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैंने पूरा पिछले एक डेढ़ एक साल का उनका सफ़र जब भी हम लोग मिलते थे डिस्कस करते थे, लेकिन मुझे सिर्फ यह था कि फिल्म में कहीं डॉक्यूमेंट्री की फील ना हो. और मुझे बड़ी खुशी और फ़ख्र है इस बात का कि आई थिंक ट्रू टू द फॉर्मेट ऑफ अ फिल्म एंड अ बायोपिक, आई थिंक इट इज़ आउटस्टैंडिंग. इट विल डेफिनेटली गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द बेस्ट बायोपिक्स मेड. जिस तरह से पीरियड्स क्रिएट कर रहे हैं, जो ब्लैक एंड वाइट और कलर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और ह्यूमर भी है, सटायर भी है, तो इतनी ऐसे ओवर इंटेलेक्चुलाइज नहीं करते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से फिल्म को दर्शाया गया है. मेरी शुभकामनाएँ सबको, संजय राव जी को, डायरेक्टर को, नवाजुद्दीन ने बहुत अच्छा काम किया, अमृता राव जितने कैरेक्टर्स थे. हम फिल्म मेकर्स भी जब दूसरों की फिल्में देखते हैं तो देखते हैं बैकग्राउंड एक्शन कैसा हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, तो हर प्रिज्म से मुझे लगता है अपने आप में बहुत कंप्लीट फिल्म थी, बहुत एंटरटेनिंग थी. एंड ऑल माय गुड विशेस टू द फिल्म. थैंक यू. मला माझ्या खूप जुन्या आठवणीची उजळणी झाली माझी, कारण म्हणजे कित्येक वर्ष बाळासाहेबांना मी ओळखतो आहे आणि आमचा म्हणजे असा खूप जवळचा संबंध होता. आणखीन बघता बघता मला लहानपणापासून म्हणजे स्थापनेपासून जे काही होत गेलं होतं मार्मिक हे सगळं ते खूप आठवणी आल्या, छान वाटलं बघून. होते काय की बाळासाहेबांचं व्हेरी ऑनेस्टली मला असं वाटतं की ह्यात एकच राहून गेलं की बाळासाहेब जो लोकांसमोर येतात ना ते एक वेगळं त्यांचं हे होतं, चित्र होतं. पण त्यांचं असं आणखीन एक चित्र होतं की ही वॉज व्हेरी फॅमिली ओरिएंटेड, गप्पा मारणं, जोक करणं, तर मला वाटतं की तो भाग राहून गेला. ह्यात त्यांचं फक्त पब्लिकचं त्यांचं म्हणजे त्यांचं जे पर्सनॅलिटी होती ती ह्यात फार छान दाखवली आहे. पण त्यांचा जो माणूस म्हणून दुसरा एक भाग होता ना, म्हणजे मुलांकडे खेळणं, नेहमी जोक्स करणं, नेहमी हसत राहणं, हसवणं, तर तो राहिला. पण तो मला वाटतं पुढच्या भागात येईल आता. वेल एक्चुअली आज मैंने फिल्म नहीं देखी, मेरी दिल्ली से फ्लाइट मिस हुई थी. मैंने आज फिल्म नहीं देखी एक्चुअली मेरी दिल्ली से फ़्लाइट मिस हुई थी तो मैं अभी अभी पहुंची हूं. बट मेरे लिए जो एक सबसे यादगार पल है वो है कि रश्मि ठाकरे जी की जो मदर है, जो एक्चुअली मीना ताई जी की समधन रही है, उनके आँखों में मैंने वो जो नमी देखी और जो इमोशन देखे वो मुझे बहुत दिल को छू गया. क्योंकि बाकी मेरे पास माँ साहेब का कोई रेफरेंस नहीं था और उन्होंने इतनी बारीकी से मुझे सीन के बॉडी लैंग्वेज वगैरह करके दिखाए, मतलब दैट वाज एन अमेजिंग थिंग फॉर मी एज एन एक्टर. इनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, मेरी नहीं हुई, मेरी भी हो जाती लेकिन मैं पहले जाके पकड़ ली उसको. आजकल आप सब पहले से ही मतलब पकड़ लेते हैं. ये तो जेम्स बॉन्ड है. कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा लगा फिल्म. हमने कोशिश की है और बहुत मेहनत की थी कि बाड़ा साहब को मिमिक ना किया जाए, ना उनको और कैरिकेचर ना किया जाए. आप धीरे धीरे देखेंगे फिल्म में कैसे कैरेक्टर और कैसे फिल्म डेवलप होती है जी. तो बहुत स्पेशली आदित्य साहब से बात हुई मेरी, तो उनको बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे मोमेंट उन्होंने ऐसे बताए जो उनको वो पर्सनल जानते थे. वो पूछ रहे थे आपने उसको किस तरह पकड़ा, तो डेफिनेटली राव साहब को उसमें बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि काफ़ी स्टडी की, काफ़ी वीडियोस देखे उनके. तो थैंक गॉड अभी वो साकार हो पा रहा है, वो कोशिश है, तो बस यही खुशी है इस बात में. उदय जी खुश हैं, वो बहुत खुश हैं और उनको उनसे उनकी आंखों से पता चला कि बहुत खुशी थी. काफ़ी लोग जो आज आए थे स्क्रीनिंग के लिए, जैसे काफ़ी लोग उनको मिले थे, उनके साथ काम किया था, शिक्षा के काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स आए थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी आपको?
एक्चुअली मैं ज़्यादा अभी मिला नहीं क्योंकि मैं अभी जस्ट अभी कंप्लीट करके आ रहा हूँ। हमारी आई थिंक लेट वाली स्क्रीनिंग थी, तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई जो उन बाला साहब को जानते थे, रहे हैं बाला साहब के साथ, तो उनका अलग इमोशन जुड़ा हुआ है और वो उनकी आंखों से पता चलता है, बातों से पता चल रहा था कि उनको लग रहा था कि भाई हाँ बिल्कुल हूबहू आपने, तो खुशी होती है कि जो लोग उनको जानते हैं, बाला साहब से इमोशनली जुड़े हुए थे उस वक्त पे, वो जब देख रहे थे पर्दे पे, तो उनकी खुशी से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ठाकरे जो फिल्म है और माँ साहेब बीनाताई ठाकरे जी का जो किरदार है, इसे मैंने नहीं चुना, इन्होंने मुझे चुन लिया। मेरा ये मानना है कि किस्मत से, मुझे तो पता भी नहीं थी कि ये फिल्म मतलब बन रही है, प्लानिंग में है, और अपने आप मुझे कॉल आया संजय राउत जी के ऑफिस से, रोहन मापुस्कर, अभिजीत पांडे सर आए मुझे मिलने, और उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया ना बोलने का, उन्होंने बोला आप ही हैं हमारी माँ साहेब। तो ये मेरे लिए जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, एंड ये सिर्फ एक रोल नहीं है मेरे लिए, ये उसके बहुत बहुत बड़े हैं। ऑफकोर्स नवाज भाई ने बहुत बहुत मेहनत की है, अमृता ने भी बहुत मेहनत की है, जो कहानियाँ सुनकर हम बड़े हुए हैं पापा से, बाला साहब की, वो अब बड़े पर्दे पे देखते हुए थोड़ा इमोशनल ऑफकोर्स फील हुआ, एंड आई होप लोगों को भी ये पसंद आए और उनको भी वही फीलिंग आए। एक सो बेसिकली वन ऑफ द मोटिव ऑफ द फिल्म वॉज फॉर माई फादर टू शो द न्यू जनरेशन हाउ बाला साहेब वॉज, एंड आई थिंक आई कुड सी बाला साहेब इन हिम, सो आई थिंक या दैट्स द मोटिव वॉज कम्प्लीटेड। नाही ढोकान कडनं मलाच कॉम्प्लिमेंट्स मिळत होते, कारण त्याला माहिती होतं की मी करते हे सगळं बाबांना, पण नाही शेवटी काय माझ्यासाठी पण हा पहिलाच प्रोजेक्ट आहे, खूप काही शिकायला मिळालं, बायकॉमची टीम किंवा कार्निवलची टीम सगळे खूप सपोर्टिव्ह होते, नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या, त्यामुळे चांगलं वाटलं। जेव्हा आम्ही नवाज भाईंना जेव्हा बघायचो, जेव्हा मी शूटला जायची आणि तेव्हा बघायचो, तेव्हा नवाज भाईंनी इतकं त्यांचे आत्मसात केलं होतं ना बाळासाहेबांना, की त्यांच्यामध्ये मला नवाज भाई नाही, ॲक्च्युली बाळासाहेबच दिसायला, आणि त्याचा लोकांना पण टेस्ट दिसणार आहे। ऑफकोर्स कोशिश की है, बहुत कोशिश की है, इवन इसमें सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं, सब पूरी टीम का हाथ है, और वो शी वगैरह हम लोग सब ने रास्ता में इतनी सारी डिटेल दी उस कैरेक्टर के बारे में, उसको डेवलप करने के बारे में, के लिए बहुत कुछ, सब लोगों की टीम से ही ये सारा कुछ बनता है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि थैंक गॉड पूरी टीम ने पेशेंस के साथ काम किया और उसका फल आज सामने देख रहे हैं। अमृता जी, बायोपिक्स आप जो करना चाहेंगे, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं रेट्रो ज़माने की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और इस फिल्म में आपने पहली बार मुझे ब्लैक एंड वाइट में देखा है, ये मेरे लिए एक सपना सा ही है, और ब्लैक एंड वाइट पे मैं जिसकी दीवानी हूँ वो मधुबाला जी है, तो मधुबाला जी पे अगर कोई बायोपिक बनेगी तो मुझे लगता है कि मैं कर पाती हूँ। आवाज़ आप प्रतिक्रिया दें, जो अमृता ने कहा है बखूबी फिट बैठेगी अमृता, मधुबाला बिल्कुल फिट बैठेगी, थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज बिल्कुल फिट नहीं। आप उस फिल्म में कौन सा रोल करेंगे? मैं किशोर कुमार का, ऑब्वियसली किशोर का। ये क्या, यानी अगला शुरू कर देते हैं, अपन बायकॉम से डील कर लेते हैं, ठीक है ना डायरेक्टर? अभी कौन से चीज आप कर लेते हैं, आप जो भी जो क्लोज हो आपको जो लगता हो, जी जी जिनके साथ आप सहज हो? नहीं नहीं, हमें ये डायरेक्टर पसंद है। उसके पक्ष तो उर्वशी जी बताएंगी, उनके क्योंकि ये प्रोड्यूसर हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से जानती हैं, तो ये आप 25th को पब्लिक से ही पूछ लेना। ऐसा आशा भी ऐसा है कि भाई
मापदंड, वैसे तो लोग पसंद तो करते हैं, फिर वो चाहेंगे देखें, लेकिन एक मन में होता है, एक विचार होता है मन में, वो सबके जो विचार है वो हमारे मन में भी है विचार कि सब लोग देखें फिल्म को और इन्जॉय करें, और जो कोशिश की है हमने तो वो देखने लायक है, देखते हैं आप ही डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपकी, 48 घंटे आपके सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक नींद अच्छे से आए। थैंक यू सो वेरी मच एंड शी थैंक यू सो मच। शी वांट्स टू से समथिंग? नो नो नो, पहले ये रख देता तो किसी से लड़ाई नहीं होती।